इंडिया वाले सोच रहे होंगे कि हुआ क्या है हमारे साथ। प्लेयर सारे अच्छे हैं उनमें और सबसे अच्छा बाबर आजम थोड़ा कमी महसूस कर रहे हैं बॉलिंग में, जो शाहीन अफरीदी हमारे पास नहीं है। पावरफुल और ताकतवर पाकिस्तान टीम है वो, उनके अंदर एक जज्बा है, जुनून है, तो इस वजह से पाकिस्तान ही जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूं महमजरा और आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन शो। नाज़रीन, आप वैसे लाहौर के लोगों के तो रिव्यूज़ हमारे चैनल पे देखते रहते हैं, हमने सोचा क्यों ना आज कराची की आवाम से रिव्यूज़ लिए जाएं इंडिया और पाकिस्तान के मैच के हवाले से। कराची की आवाम कितना ज़्यादा सीरियस लेती है क्रिकेट को, कितना ज़्यादा सीरियस लेती है इंडिया और पाकिस्तान के मैच को, तो ये चीज़ आज क्लियर हो जाएगी कि लाहौर की जो आवाम है वो ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेकर सीरियस है, मैच को लेकर सीरियस है, या फिर कराची की आवाम। और देखते हैं कि कराची के आवाम क्या कहती है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के मैच में उनको क्या लग रहा है कि दोनों टीम्स में से ज़्यादा पावरफुल कौन है, और इस बार विराट कोहली और बाबर आजम इन दोनों में से कौन सा प्लेयर है जो मैदान लूट कर ले जाएगा। तो आगे चलते हैं फिर आवाम की तरफ, उनसे पूछते हैं उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या नाम है आप? मेरा नाम सुमैर। जी मेरा नाम मोहम्मद शफी है। इमरान पठान। मोनिस मनाहिल। सुमैर, कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, दोनों टीम में से ज़्यादा पावरफुल इस वक्त कौन सी टीम नज़र आ रही है? पाकिस्तान। क्यों? पाकिस्तान में रहते भी हैं और पाकिस्तान की टीम भी अच्छी है इस वजह से। अगर इंडिया में रहते होते तो इंडिया की टीम ज़्यादा अच्छी नज़र आती है। पाकिस्तान अच्छी टीम है जी। पाकिस्तान की टीम पर इतना भरोसा क्यों है? बस प्लेयर सारे अच्छे हैं उनमें और सबसे अच्छा बाबर आजम अच्छा खेलता है। क्या लगता है कि कल बाबर आजम और विराट कोहली में से बाजी कौन लूट के लेके जाएगा? बाबर आजम। अच्छा, इतना यकीन क्यों है बाबर आजम पर? पहले नंबर पे आता है वर्ल्ड में खेलने पे, बेस्ट मैन पे, तो इस वजह से बाबर आजम। कल देख भी लीजिएगा, पाकिस्तान कल जीतेगा। चैलेंज कर रहे हो तो? चैलेंज कर रहा हूँ। अच्छा, दोनों टीम्स को कोई मैसेज देना चाहोगे, कोई पैगाम इंडिया और पाकिस्तान के नाम? जी बस यही पैगाम देना चाहेंगे कि ये गेम है, हार जीत होती रहती है, इसमें कोई आवाम को शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है। या हमारा मतलब पाकिस्तान जीते या हारे तो उससे कोई मसला नहीं है, तो आप जो है अपनी टीम को सपोर्ट करें, उनका साथ दें। वैसे अगर देखा जाए तो दोनों टीम एक ही बराबर हैं, उनके पास भी बैट्समैन अच्छे हैं, उनके पास बॉलर अच्छे हैं, और हमारे पास भी बैट्समैन बॉलर दोनों अच्छे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम थोड़ा कमी महसूस कर रहे हैं बॉलिंग में, जो शाहीन अफरीदी हमारे पास नहीं है, तो इसकी वजह से जो ना हमारी बॉलिंग स्टेट पर थोड़ी सी कमज़ोरी होगी। बाकी इंशाल्लाह हमारी टीम थोड़ी सी बेस्ट है उनसे, इंडिया से। क्या कहेंगे कि बाबर आजम और विराट कोहली में से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कल कौन दिखाने वाला है? इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि दोनों सुपरस्टार बैट्समैन हैं माशाल्लाह, एक नंबर वन है, एक नंबर टू में, तो दोनों अच्छे बैट्समैन हैं, तो उम्मीद है कि हमारा पाकिस्तानी बाबर आजम अच्छा खेले और हमें जितवाए, और विराट कोहली भी अच्छा खेले, तो हमें इससे कोई गिला शिकवा नहीं, और दोनों अच्छे बल्लेबाज हैं। जाहिर बात है कि हम पाकिस्तानियों को देखेंगे और अपने मुल्क को ही दुआ करेंगे कि हमारा मुल्क जीते, और हमारे को सबसे बेस्ट टीम जो इस टाइम नज़र आती है पावरफुल और ताकतवर पाकिस्तान टीम है, वो किसी से ना घबराती है और ना डरती है, चाहे आगे कितनी भी बड़ी मजबूत टीम हो, हम किसी से ना डरते हैं और ना किसी से घबराते हैं, क्योंकि हमारा नाम एक पठान और हम पाकिस्तानी हैं, हम किसी से नहीं घबराते। यही जज्बा होता है पाकिस्तानियों का, बिल्कुल जैसा आपके अंदर है इस वक्त क्रिकेट, पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसका भी यही जज्बा होना चाहिए। अच्छा, ये बताएं बाबर आजम और विराट कोहली में से कल क्या लगता है मैदान कौन लूट के ले जाएगा? बाबर आजम, और हमारे तो यही दुआ है और यही ख्वाहिश है कि हमारा पाकिस्तान मुल्क जीतेगा, और बाबर आजम से ये रिक्वेस्ट है जैसे आपका पहले सिर बुलंद था और इसी तरह सिर बुलंद करके वापसी आप यहाँ पाकिस्तान लौटो, हमें भी खुशी होगी, हमारे पूरे मुल्क को खुशी होगी। दोनों टीमों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज क्या? इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए, दोनों के लिए कोई मैसेज? इंडिया के लिए तो यही मैसेज है कि इंडिया वाले अक्सर बोलते हैं कि पाकिस्तानी टीम क्या है, मगर पाकिस्तानी टीम ने पिछले बार भी 10 विकेटों से ये मैच जीता था, वो अभी तक वो दुख जो है ना अभी तक वो इंडिया वाले सोच रहे होंगे कि हुआ क्या है हमारे साथ, वही हिसाब से वो अगर आएंगे भी तो वो अपना। मनाहिल, ये बताइए कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, कौन सी टीम ज़्यादा पावरफुल लग रही है? पाकिस्तान लग रही है। क्यों, क्या ऐसा देखा पाकिस्तानी टीम में? क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है लोगों के अंदर, और हिम्मत नहीं हारते पाकिस्तान, उनके अंदर एक जज्बा है, जुनून है, तो इस वजह से पाकिस्तान ही जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या लगता है कि बाबर आजम और विराट कोहली में से कल जो है ना कौन बाजी लूट के ले जाएगा? बाबर आजम। इतना यकीन क्यों है बाबर आजम? क्योंकि बाबर आजम मुझे अच्छा लगता है, इस वजह से मैं उसकी फ़ैन हूँ।
दोनों टीम्स को कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही कहूंगी बस पाकिस्तान जीते और मुझे बहुत फ़ख्र है पाकिस्तान पे। पाकिस्तान एक हमारा मुल्क है, आज़ाद मुल्क है, तो पाकिस्तान पे मुझे बहुत यकीन है। माशाल्लाह इस वक्त तो देखा जाए तो देखने में तो पाकिस्तान है, क्योंकि जिस तरीके से इन्हें स्क्वाड को सिलेक्ट किया है, फास्ट बॉलर में नवाज़, फास्ट बॉलर में हसनैन है। हसनैन का पहले तो हाथ का एक्शन मसला चल रहा था, लेकिन उसके बाद उसने अपनी बहुत प्रैक्टिस और कोशिश की, जिसके बाद वो बिल्कुल सिलेक्ट हो गए, स्क्वाड में शामिल हो गए। उसके बाद नसीम शाह है, जो कि जिस तरीके से उन्हें नीदरलैंड के सामने तो बहुत अच्छा खेल रहे थे। विराट कोहली और बाबर आजम में से क्या लगता है कौन इस वक्त कल मैदान लूट कर ले जाएगा? इंशाल्लाह बाबर आजम, जिस तरीके से उनकी कारकर्दगी पीछे चल रही है, इस हिसाब से तो इंशाल्लाह बाबर आजम। तो नाज़रीन आपने यहाँ पे कराची के अवाम के ओपिनियन को जाना कि कराची की अवाम कल इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को लेकर कितना सीरियस है, और कराची के अवाम ने ये जो प्रूफ किया है कि भाई हम तो पाकिस्तान के साथ ही खड़े हैं, पाकिस्तान की टीम ही उनके लिए अच्छी है, पाकिस्तान के प्लेयर ही उनके लिए अच्छे हैं। मैटर नहीं करता कि पाकिस्तान कल हारे या जीते, लेकिन पाकिस्तान की, कराची की जो पूरी आवाम है वो पाकिस्तान के साथ है। तो नाज़रीन उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह तो फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।